दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की नई डोज आपके लिए लेकर आया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शनों में सही जो उत्तर है वो है रीवा, मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। यह है 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी द्वारा किया गया है। इस परियोजना के पश्चात भारत सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस परियोजना से उत्पादित बिजली में से 24% दिल्ली मेट्रो को और शेष मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी। इस लिहाज से ये पहली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, जिससे राज्य के बाहर किसी संस्थागत ग्राहक को बिजली मिल सकेगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला लड़ाकू पायलट बनने वाली महिला का नाम है। इसके ऑप्शन है, मुलिसी तवांगे, मेडलिन स्विगल, कलडी जोसपना और मेरी सकलीन। तो इसका राइट उत्तर है मेडलिन स्विगल। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। उन्हें 31 जुलाई को विंग्स ऑफ गोल्ड बेज प्रदान किया जाएगा। अमेरिकी नौसेना की एयर विंग में यह गोल्ड यानी सम्मान पाने वाली वह पहली अश्वेत महिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के पहले बोर्ड का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, जगदीश उपासने, संजय त्रिवेदी, शैलेंद्र कपिल और धीरेन्द्र पाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है जगदीश उपासने। दोस्तों, प्रसार भारती एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1997 में और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत संसद के द्वारा की गई थी। यह सरकारी प्रसारणकर्ता एजेंसी है, जिसके अधीन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है। इसमें अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य हैं। हाल ही में प्रसार भारती के पहले बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो जगदीश उपासने को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2020 को भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या फिर चौथे नंबर का? तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर का। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जुलाई 2020 में पहली बार वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के द्वारा सकारात्मक चर्चा की गई और आने वाले वक्त में इसे और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों 2030 पर एक नया कोर्स शुरू करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन देखिए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी अहमदाबाद और आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा और बीटेक सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए यह अनिवार्य कोर्स शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवा और गतिशील व्यक्तियों की सोच को सतत विकास के रास्ते की ओर नई दिशा देना है।
17 सतत विकास लक्ष्यों की अंतर्विषयिक प्रकृति के कारण इस कोर्स के नोडल विभाग मानविकी व सामाजिक विज्ञान विभाग ने संस्थान के 8 अन्य विभागों से इस कोर्स को तैयार करने और इसको लागू करने का साझा प्रयास किया है। ये पहली बार है कि स्वायत्त स्नातक स्तर पर शुरू किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम के लिए 9 विभाग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों छठा प्रश्न देखिए, चाबहार परियोजना से हाल ही में किस देश ने भारत को अलग कर दिया है? इसके ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान ने चाबहार परियोजना से हाल ही में भारत को जो है अलग कर दिया है। दोस्तों भारत और ईरान के मध्य वर्ष 2016 में चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना को लेकर के और एक समझौता हुआ था। ये परियोजना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसके तहत भारत चीन और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना था। लेकिन अब ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि भारत से मिलने वाले फंड में देरी होना। अब इस प्रोजेक्ट को ईरान ने स्वयं पूरा करने का फैसला किया है। ये भारत के रणनीतिक लिहाज से काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होगा। दोस्तों आप स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 9 जुलाई को किस विद्यार्थी संगठन की स्थापना दिवस था? इसका उत्तर है SFI, ABVP, NSU, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ABVP। दोस्तों SFI जो है इसका पूरा नाम है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये साम्यवादी दल से बिलोंग करता है। ABVP का पूरा नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भाजपा से बिलोंग करता है। और NSUI, ये सॉरी लास्ट का यू है, इसकी जगह पर आई है, NSUI जो है ये कांग्रेस से बिलोंग करता है। तो अभी हाल ही में 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की स्थापना का दिवस मनाया गया था। दोस्तों ABVP की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका मकसद विश्वविद्यालयों में वामपंथी विचारधारा के स्थान पर दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। JP आंदोलन और आपातकाल ने इस संगठन को मजबूत किया था। ये संगठन जो है भाजपा से समर्थित है। वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में 14 जुलाई को राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में किस जिले में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? इसके ऑप्शन है बूंदी जिले में, जयपुर जिले में, कोटा में और जोधपुर में। तो सही आंसर है बूंदी जिले में। दोस्तों अभी हाल ही में यानी कल 14 जुलाई को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें एक निर्णय ये था कि गोदरेज एग्रोवेल लिमिटेड को बूंदी जिले में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। बूंदी के अंदर उलेरा गांव में ये पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में 2 चरणों में करीब 132 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन ग्रीन के उपन्यास द फॉल्ट इन आर स्टार्स पर आधारित फिल्म जो 24 जुलाई को रिलीज होगी, इसके ऑप्शन है एडवेंचर्स, एंड गेम और इन्फिनिटी वार, दूसरा है दिल बेचारा, तीसरा है पवित्र रिश्ता और चौथा है ड्राइव। दोस्तों इसका सही उत्तर है दिल बेचारा। दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी। ये फिल्म जॉन ग्रीन के उपन्यास द फॉल्ट इन आर स्टार्स पर आधारित है।
इस फिल्म ने लाइक्स के मामले में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने आवास पर मृत पाए गए थे। 2009 में टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता से उन्हें पहली बार लोकप्रियता मिली थी। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है सचिन पायलट, गोविंद सिंह टोडासरा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास। इसका सही उत्तर है गोविंद सिंह टोडासरा। दोस्तों अभी कल जो है राजस्थान की राजनीति में और एक घटनाक्रम हुआ जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सचिन पायलट, उनको प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दिया गया है। अब उनके स्थान पर गोविंद सिंह टोडासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। गोविंद सिंह टोडासरा पहले से ही राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी और करंट अफेयर्स के प्रश्न पहुंच सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।